तो वहीं 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री पीएलआई के लिए अतिरिक्त आवंटन का ऐलान कर सकती हैं। इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं जी मीडिया संवाददाता अम्बरीश पांडे से। अम्बरीश, आपसे जानना चाहेंगे आपके पास क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है, मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा फोकस की तैयारी और दायरा बढ़ेगा पीएलआई स्कीम का? बिल्कुल सही कहा आपने कि मैन्युफैक्चरिंग पर लगातार सरकार का फोकस है। सरकार चाहती है कि भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बने ताकि यहाँ से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके, और उसी सिलसिले में सरकार ने जो पिछली पीएलआई स्कीम्स जारी की थी उनमें भी इस बार बजट का एलोकेशन ज्यादा किया जा सकता है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार जो बजट एलोकेशन है वो 20 से 25% ज्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ ऐसे कई सेक्टर्स हैं जहां पे सरकार प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है और उसके लिए भी उन सेक्टर्स को फोकस कर रही है सरकार। और जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार लगभग 6 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें की नई पीएलआई स्कीम्स का अनाउंसमेंट हो सकता है, जिसमें की स्पेशलिटी स्टील, स्पेशलिटी केमिकल्स, इसके अलावा हार्डवेयर, आईटी हार्डवेयर जैसी जो चीजें हैं, इसके अलावा फर्टिलाइजर जैसी जो चीजें हैं उन पे सरकार का फोकस रहेगा। सरकार कुल मिला के ये चाहती है कि जितनी भी चीजें हैं जिसमें हमारे इंपोर्ट डिपेंडेंस ज्यादा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश में दस्तयाब की जाए, साथ साथ ऐसी चीजें जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर जिसकी बाहर डिमांड ज्यादा है, चाइना प्लस वन की जो पॉलिसी की बात की जा रही है उसके साथ साथ जिन चीजों की डिमांड बाहर ज्यादा है उन चीजों का भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो देश में बढ़ाया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है कुछ नई पीएलआई स्कीम ला सकती है। नीश बैटरी की पीएलआई स्कीम जी बिजनेस ने आपको अभी कुछ दिनों पहले ही जानकारी दी थी कि नीश जो बैटरी है उसके लिए पीएलआई स्कीम सरकार अलग से लाने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि जितनी भी ऐसे मेटल्स हैं लिथियम, कोबाल्ट और निकल, इनके अलावा सरकार कंपनी से कह रही है कि इनके अलावा नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए मेटल्स के साथ आप बैटरी बनाइए ताकि वो ज्यादा एडवांस हो और हमको जो है इस तरह के मेटल्स का इंपोर्ट भी कम करना पड़े। तो कुल मिलाकर सरकार यही चाहती है कि इस तरह का एक पूरा पीएलआई का एक खाका बने ताकि इंडस्ट्री और ज्यादा आकर्षित हो निवेश के लिए, जिससे कि रोजगार और एक्सपोर्ट दोनों को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद करेंगे अम्बरीश आपका, हम तक एक्सक्लूसिव खबर बजट से जुड़ी।